जी राम राम जी सभी को, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे नेक डिजाइन। देखिए की होल नेक डिजाइन इसको बोलते हैं, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। नेक की चौड़ाई हम 4.5 इंच लेंगे, 4.5 इंच पर एक इधर निशान लगा देंगे। नेक की लंबाई हम 3 इंच लेंगे, 3.5 पर एक निशान लगा देंगे। 4.5 से नीचे सीधा निशान लगाएंगे, बॉक्स बना देंगे। और इधर ये 3 इंच पर भी सीधा निशान लगा करके बॉक्स बना देंगे। ये इधर से इधर बॉक्स बन जाएगा। फिर बॉक्स में ये जो ये पॉइंट है इधर से हम यहाँ निशान लगाएंगे राउंड शेप देने के लिए 1.5 इंच पर। और ऐसे करके के सेम मार्जिन रख करके यहाँ से यहाँ तक हम जो राउंड शेप है वो दे देंगे। देखिए फिर नीचे से 1 इंच का मार्जिन ऊपर लगा, ऐसे निशान लगाएंगे 1 इंच पर। इस तरह से हमारी बोट नेक की कटिंग गले वाला कट कर लेंगे। जहाँ निशान लगाया वहाँ से हमारा इस तरह से जो बोट नेक है वो कटिंग हो गई है। अब हम नीचे वाले पार्ट की जो जिसे की होल बोलते हैं उसकी कटिंग करेंगे। हम 6 इंच की लंबाई लेंगे, इधर निशान लगा देंगे और इधर लगा देंगे। अभी सेंटर में निशान लगा लेंगे 3 इंच पर। 6 इंच पर हमारा सेंटर होगा, 3 इंच पर हमारा सेंटर हो जाएगा। सेंटर पर हम 1/2 इंच पर, 1/2 इंच पर इधर एक ऐसे सीधा सीधा एक निशान लगाएंगे। और इस निशान को, बीच वाले निशान को इधर मिलाएंगे और इधर मिलाएंगे। जैसे ये हमें शेप देखते हुए थोड़ा थोड़ा अच्छे से दोनों तरफ से एक समान शेप दे देंगे। देखिए 1 इंच इधर मार्जिन रखेंगे और 1 इंच इधर रखेंगे। 1-1 इंच का मार्जिन रखते हुए आप थोड़ा कम भी रख सकते हो। अच्छे से शेप दे लेंगे, आप थोड़ा कम रखना चाहें तो कम भी रख सकते हैं। ये वाला कटिंग करेंगे अंदर की साइड जो निशान लगाया था। ये देखिए हमारा ऐसे होल बनकर के तैयार हो गया। अब हम इस पर अपनी कुर्ती पर लगा करके दिखाते हैं, अपनी कुर्ती पर लगाकर आपको दिखाते हैं। इस गले बोट नेक गले को इस पर कपड़े पर चिपका लिया है आयरन की सहायता से। इन दोनों को हमने अच्छे से चिपक जाते हैं प्रेस से। अब हम इसको लगा करके दिखाते हैं आपको। इसके सेंटर को हम मिलाते हुए एक यहाँ पर एक रफ स्टिच कर लेंगे इधर तक, ताकि हमारा ये गला सर्पिल ना हो और ये तिरछा ना हो। ये सिलाई इधर से लगा ली है। अब यहाँ इसके बिल्कुल पास पास में थोड़ा थोड़ा बुकरम के ऊपर को हम सिलाई लगाएंगे। ये संतरी कलर की जो है वो पाइपिंग हमारी बाहर की तरफ निकल आएगी, हमें एक्स्ट्रा पाइपिंग नहीं लगानी पड़ेगी। देखिए तो हम आपको यहाँ पर सिलाई लगा करके दिखाते हैं। हमने ये सिलाई लगा ली है। अगर आपको पाइपिंग नहीं दिखानी तो आप बिल्कुल इधर को सिलाई लगा सकते हैं, अंदर की साइड बुकरम के ऊपर नहीं, ये कपड़े पर भी सिलाई लगा सकते हैं हम। अब इसको एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे और इसको फोल्ड करके दिखाते। हमने एक्स्ट्रा कपड़ा काट लिया, अभी हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे जिससे हमारा गला जो फोल्ड है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ फोल्ड होगा। बिल्कुल छोटे छोटे कट हम इधर लगा लेंगे।
इसको ऐसे फोल्ड करके कि एक सिलाई इधर लगाएंगे, बिल्कुल पास पास में ही, थोड़ा थोड़ा हमारा पाइपिंग दिखाई देगा। हम जो हाथ से इसको थोड़ा खींचते हैं, ये देखिए हमारा थोड़ा थोड़ा पाइपिंग बिल्कुल फिनिशिंग के साथ दिखाई दे रहा है। अब हम इस कपड़े को ऐसे फोल्ड कर करके करके और एक रफ स्टिच लगा देंगे, हम तुरपाई करेंगे फिर बाद में। अब हम ये जो की होल बोलते हैं इसको यहाँ पर अटैच करेंगे, इसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट बना लेंगे और इसका भी सेंटर पॉइंट बना लेंगे। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे बिल्कुल एक जैसा सेंटर में, यहाँ ऐसे ऐसे हम निशान कर लेंगे। ऐसे हम अब हमारी कुर्ती में भी बिल्कुल सेंटर पॉइंट यहाँ निशान लगा लेंगे। तो अभी बिल्कुल सीधा कर लेंगे। यहाँ ऊपर से हम लगभग 1 इंच ये जो बुकरम का पार्ट है ये नीचे रखेंगे, गले से 1 इंच नीचे, और अब हम इसको सेट करके सिलाई लगा लेंगे। हमने पिन लगा करके इसको सेट कर लिया और इधर एक सिलाई लगाएंगे, आपको दिखाएंगे फिर। ये सिलाई लगा ली है, अब हम इसके अंदर से बिल्कुल बुकरम के पास पास एक सिलाई लगाएंगे, इसको ऐसे रखेंगे और बिल्कुल सिलाई लगाने के बाद अभी ये वाली सिलाई निकाल देंगे और ये अंदर का कपड़ा कट करके इसको अंदर फोल्ड कर देंगे। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे बीच में कट लगा देंगे। अंदर का ये जो कपड़ा है इसको हम यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा देंगे चारों तरफ। ध्यान रखें कि सिलाई ना कटे। पहले हमें इस जितारन तरह कपड़ा है इसको फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर लेंगे। बिल्कुल पास पास के अंदर को एक सिलाई हम लगा लेंगे। होल डिजाइन नेक हमारा बन करके रेडी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर
नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।